केसी वेणुगोपाल जी, भूपिंदर हुडा जी, राज बब्बर जी, आफताब अहमद जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के टाइगर्स, शेर और शेरनिया, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आपका मूड कैसा है आज? सुनाई नहीं दिया, कैसा है मूड? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो यहां पे आज हजारों खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली पूरे देश में। ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है, और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को, बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है। भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, यह लड़ाई है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में हरियाणा के युवा मुझसे मिले। पहले उन्होंने मैसेज दिया, राहुल जी आप अमेरिका आए हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहते हैं राहुल जी, हम आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं डैलस में। मैं
20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया, राहुल जी हम भागकर हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है, हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता, इसलिए हम अमेरिका आए हैं। आप अमेरिका कैसे गए? 50 लाख रुपए कर्जा लेकर, खेत बेचकर हम अमेरिका आए हैं। कैसे आए? पूरी दुनिया घूम कर गए। पहले हम इस्तांबुल गए, फिर कजाकिस्तान गए, फिर साउथ अमेरिका गए, इक्वाडोर गए, अलग अलग देशों में गए और अंत में पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए डूबते हुए देखा, माफियाओं ने हमें लूटा, हमारे मित्रों को गोली मारी, ये सब सहकर हम अमेरिका आए हैं क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी इनकी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी, यह सच्चाई है। आपको अगर हरियाणा में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मगर अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाणा बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी, उसको हम फिर से लागू करेंगे, ओपीएस हम आपको वापस देंगे और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। युवाओं को हरियाणा सरकार में जो 2 लाख रोजगार नरेंद्र मोदी और हरियाणा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको हम भर के आपको देने जा रहे हैं। और ये 2 लाख रोजगार जो मिलेंगे, ये हरियाणा के 36 बरादरियों को मिलेंगे, हर जात को, हर धर्म को ये रोजगार हम देंगे, न्याय के साथ, समानता के साथ ये रोजगार दिए जाएंगे। किसान को गारंटी करके हम एमएसपी देंगे और जैसे ही आपको नुकसान होता है वैसे ही आपको बैंक में बीमा का पैसा एकदम दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया, जो आप जानते हो, या राजस्थान में हमारी जो योजना थी, आप कोई भी ऑपरेशन, दिल का, किडनी का, पेट का, जो भी कैंसर हुए उसका ऑपरेशन आप करवाना चाहो तो 25 लाख रुपए तक का ऑपरेशन आपको अस्पतालों में मिलेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी बात भाईचारा। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं, जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे, नफरत को मिटाना है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान
नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। और ये आपने पूरे देश को दिखाया है कि ये देश नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इस देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे, इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। भाइयों और बहनों, नफरत से देश कमजोर होता है, नफरत से दुख फैलता है, डर फैलता है। मोहब्बत ही नफरत की काट है। मोहब्बत से भाईचारा फैलता है, मोहब्बत से ही देश की प्रगति होती है। भाइयों और बहनों, आखिरी तीन बात आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है, नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स हैं, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम गारंटी एमएसपी किसानों को देंगे। अंत में फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे जो टाइगर हैं, कार्यकर्ता हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इनकी गालियां खाई हैं, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है। और जैसे आप नहीं डरते हो, वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। आप ये समझो कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा ने निर्णय ले लिया है, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है। और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।